इसके दादा ना बड़े वकील थे शहर के। मैंने जब उनके साथ बैठना शुरू किया ना बस्ते पे, तो मेरी तो हालत खराब। सब तरह के लोग आते थे वहां, कुछ को देखते ही समझ में आता था कि ये गिल्टी है, और कुछ साफ दिखते थे कि निर्दोष। एक दिन एक आया मर्डर का इल्जाम। जब इसके दादा ने मुझसे पूछा तेरे को क्या लगता है, मैंने झट से कहा इसी ने किया। पिताजी इसका केस मत लेना, हार हो गए। उन्होंने ना सारे असिस्टेंटों को बस्ते से बाहर निकाला और मेरे से एक बात बोली, बोले बेटा हम वकील हैं, हमारा काम फैसला सुनाना नहीं है, हमारा काम है मुवक्किल के लिए लड़ना। सही हो या गलत, हर आदमी को हक है कि वो अपने लिए लड़े, और हमारा काम है कि हम उसके लिए लड़े। हार जीत तो लगी रहती है, लड़ाई से पहले फैसला कभी को सुनाना, ना मुवक्किल को ना खुद को। तेरे को पता है किस जीत पे? किसी को यकीन नहीं था पर वो जीत गए। और उस दिन मेरी समझ में आ गया कि चाहे कितना भी साफ क्यों ना दिखाई दे रहा हो कि हार होगी। शुरू से खाली बैटिंग थी के शुरू करा, कॉट 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 गाड़ी आस्ते से हो जाए। फैसला तो जिरह के बाद ही होगा बेटा। जीत अक्सर उनकी हो जाया करती है जो हार मानना टालते चले जाते। बस एक गवाह और, एक सवाल और, बस एक जरा और। छोड़ना मत। सवाल ही नहीं पैदा होता।